यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का शेयर अभी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसका बायबैक भी आने वाला है, लेकिन इसकी कुछ अपडेट्स भी आती हुई नजर आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अपडेट्स के बारे में, साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम इसके चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपडेट को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था जो कि 2 मार्च 2022 यानी आज के ही दिन पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि TCS टू हेल्प CMAX ट्रांसफॉर्म वर्कफोर्स एक्सपीरियंस। आपको बता दें कि जो CMAX है वो एक ग्लोबल बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है जिसको ये लोग हेल्प करने जा रहे हैं। तो देखिए ये अपडेट है TCS कंपनी से रिलेटेड, और ये जो अपडेट है ये मैक्सिको सिटी से रिलेटेड है। देखिए ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, आप देख सकते हैं इंडियन कंपनी की इंटरनेशनल भी कितनी बढ़िया इमेज बनती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो देखिए 1 मार्च 2022 की अपडेट है जिसमें बताया गया है कि TCS नेम्ड इन द IDC मार्केट स्पेस फॉर वर्ल्ड वाइड रिटेल प्राइस ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन, यानी कि रिटेल प्राइस ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन के लिए TCS कंपनी का जो नाम है अब IDC मार्केट स्पेस पर भी मौजूद होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि न्यूयॉर्क से रिलेटेड है। तो ये भी देखिए इंटरनेशनली काफ़ी बढ़िया ये कंपनी परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है, और रोज़ रोज़ इसकी कुछ ना कुछ अपडेट आती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए भी ये कंपनी देखिए इंडिया की काफ़ी बेहतरीन कंपनी तो है ही, साथ ही साथ इंटरनेशनल भी आपने काफी बढ़िया इमेज बनाती हुई नजर आ रही है। अब देखिए यहां पर अगर TCS कंपनी के चार्ट को देखें तो ये डेली चार्ट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सही लेवल है खरीदने का। जैसे कि आप चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जरूर है जो कि काफ़ी ऊपर है, आप देखें 4000 रुपये के लेवल के आसपास है, 4500 का बाईबैक है, लेकिन बाईबैक की कहानी अब इसीलिए भी खत्म हो गई है क्योंकि रिकॉर्ड डेट वगैरह सब पार हो गया है, और उसके बाद अब केवल अप्लाई करना रह गया। जिसके पास शेयर होंगे रिकॉर्ड डेट के पहले तो वो अप्लाई कर सकता है। बाकी अब ये यहाँ पर अगर देखें तो देखें ये जो सपोर्ट जोन है जहाँ से इसने एक बार सपोर्ट लिया है, पिछले 2 दिन से तेजी आ रही थी, लेकिन आज अगर देखें तो हल्की सी गिरावट के साथ ये ट्रेड करता हुआ नजर आया है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है खरीदने का बेहतरीन लेवल है। ये सारी चीज़ें शांत होंगी, जो ये यूक्रेन रूस की लड़ाई चल रही है, जब भी ये शांत होंगी मार्केट फ्रेश होगा तो आपको इस शेयर में बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो मेरा मानना है, मैं तो देखो इसको खरीद रहा हूं, लेकिन आप अगर इसमें कुछ भी करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। वैसे भी आपको पता है कि TCS कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो देर सवेर ही सही आपको फायदा होता हुआ नजर ही आता है। तो देखिए यहां पर आपको कुछ भी करना है फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपको पूछना है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज आई है और जो अपडेट आई है वो आपको बताता हूँ, साथ ही साथ चार्ट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।